हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस विद डॉक्टर के पी सर। आज के स्टूडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेल और फीमेल लेबोरेटरी एनिमल जो रैट है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू कि मेल रैट और फीमेल रैट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कुछ स्टडी है जो कि सिर्फ मेल में ही चलता है और कुछ स्टडी सिर्फ फीमेल रैट में ही करना होता है। तो एज अ फार्माकोलॉजी स्टूडेंट या फिर और भी कोई रिसर्च कर रहे हो आप, तो अगर एनिमल स्टडी प्री क्लिनिकल स्टडी आप लगा रहे हो, ठीक है, तो मेल और फीमेल रेट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और दोनों को सेपरेट भी रखा जाता है। कई बार दोनों को सेपरेट रखा जाता है, कई बार दोनों को मिला के भी रखा जाता है अगर हम ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं। तो मेल और फीमेल रेट को आइडेंटिफाई करना आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट डिफरेंस आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा मेल और फीमेल रेट में, तो दोनों का साइज, पहले तो साइज जो है वो मैटर करता है। ठीक है, साइज देख लीजिए आप दोनों का, ये जो है एडल्ट मेल है और ये है फीमेल। ठीक, तो यहाँ पर ये विस्टार रेट है, एल्बिनो का विस्टार स्ट्रेन है ये। ठीक, इसमें देख सकते हैं टेल जो है बॉडी लेंथ से छोटा रहता है, स्प्रॉक डॉल के केस में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रेन का डिफरेंस है। अब ये दोनों विस्टार रेट है, इसमें एक मेल है एक फीमेल है, तो साइज आप देख सकते हैं फीमेल थोड़ा सा साइज में कम है मेल से, एडल्ट मेल से। ठीक, बट सिर्फ साइज को ही हम देख के डिसाइड नहीं कर सकते, कभी कभी फीमेल जो एडल्ट है वो बहुत बड़ी साइज की हो जाती है और मेल अगर सपोज यंग है, दोनों को साथ में रखेंगे तो आप उसको ये मत सोचिएगा कि ये फीमेल है और ये मेल है, है ना। तो कभी कभी साइज को हम शुरू स्टार्टिंग लेवल पे तो साइज को करते हैं हम आइडेंटिफाई के लिए, बट कभी कभी एडल्ट फीमेल और यंग मेल को रखा जाए तो भी ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हो गया पहला तो डिफरेंस कि साइज को हम देख सकते हैं। देन दूसरा है इसका वेट। ठीक है, अगर एडल्ट मेल की बात करें तो ये 200 से 250 ग्राम इसका वेट होता है। फीमेल की अगर बात करें तो इसका 20 ग्राम कम कर दीजिए आप, 20 ग्राम 180 टू 130 तक जाता है मैक्सिमम। ठीक है, कुछ केसेस में ज़्यादा भी जाता है। तो ये हो गया वेट और साइज का डिफरेंस। अब जो मेन डिफरेंस है जेनाइटल ऑर्गन का, जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जेनाइटल ऑर्गन जो डिफरेंस है वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, वो डिफर करता है, उससे आप श्योर हो जाते हैं कि ये मेल एडल्ट ही है ये फीमेल एडल्ट है। ठीक, तो आप देख लेते हैं हम इसको हैंडल करके। तो यहाँ पर देखिए मैं केज को जनरली यूज करता हूँ इसको रखने के लिए, ऐसा क्यों करता हूँ ताकि इसका जो ग्रीपिंग है रैट का वो इस पर अच्छा से हो जाए, ये ज़्यादा मूव ना करे। और जब भी आप केज से बाहर निकालें तो पहले तो उसको फैमिलियर कीजिए थोड़ा सा, जेंटल उसको मसाज दीजिए ताकि वो स्ट्रेस फ्री हो जाए, है ना। पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस चीज़ों को। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको हैंडल करके बता रहा हूँ। जेनाइटल ऑर्गन है प्रोमिनेंट इसका दिख रहा है, ये एडल्ट मेल है। ठीक है, और इसका जो यूरोजेनाइटल जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पर एनस है और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो जो डिफरेंस है वो भी डिस्टेंस है, वो ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, अगर बात करो तो ये अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 to 4 सेंटीमीटर है ये, तो एक डिफरेंस हो गया। अब उसी तरह फीमेल को हम हैंडल करके देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। पहले इसको रिलैक्स होने दीजिए थोड़ा सा, थोड़ा इसको टाइम दीजिए, देन उसके बाद वो हैंडल करने देगा। आप यहाँ पर देखिए, ठीक, ये फीमेल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जो डिफरेंस है। ठीक, ये एनस और जो इसका वजाइनल ओपनिंग है वहाँ पर का डिस्टेंस एक तो पहले शॉर्ट है डिस्टेंस, देन उसके बाद इसमें कोई टेस्टिकुलर अपीयरेंस नहीं दिख रहा है, जैसे उसमें दिख रहा था टेस्टिकुलर अपीयरेंस दिख रहा था मेल के केस में, फीमेल में ये कुछ अपीयरेंस नहीं है। ठीक, तो इससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल रैट को। ठीक है ना, मेल के केस में यहाँ पर टेस्टिकुलर अपीयरेंस था जो कि फीमेल में नहीं है। उसके साथ साथ मेमरी ग्लैंड भी आप इस पर देख सकते हैं फीमेल के केस में। ठीक, मेमरी ग्लैंड जो है वो थोड़ा सा दिखता है, मेल के केस में ये नहीं था। मेल को एक बार और मैं आपको हैंडल करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो फीमेल को देखिए, फीमेल पे यहाँ पर मेमरी ग्लैंड भी आपको
तो फीमेल का जो मेमेरी ग्लैंड है उसको एक बार और आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए फीमेल्स के देखिए मेमेरी ग्लैंड यहाँ पर दिख रहे हैं हमको प्रोमिनेंट तरीके से, ये जो है ये क्या है मेमेरी ग्लैंड्स है, ठीक। ये मेल के केस में नहीं देखने को मिलता, ठीक। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, जेनाइटल ऑर्गन भी आपने समझ गया, साइज और वेट भी आप लोग देख लिए। अब जो और जो डिफरेंस है इसमें मेल और फीमेल रेट में वो है इसका स्टडी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मेल रेट जो होते हैं उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेरिजन में, वो जल्दी बढ़ते हैं, बड़े जल्दी होते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन का हमको टेस्ट लगाना है, उसका इवेल्युएशन करना है, या ग्रोथ रिलेटेड जो ड्रग है उसको हमको टेस्ट करना है, तो मेल रेट हम चूज करेंगे, ठीक है, फीमेल के कंपेरिजन में। फीमेल में एक और ड्रॉबैक है, उसका जो ऑस्ट्रस साइकिल जो चलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होता है उसी प्रकार उसमें ऑस्ट्रस साइकिल होता है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आता है उस टाइम, है ना। जैसे कि हम वुमेन विंग्स में भी देखते हैं, तो उसमें उस टाइम क्या होता है, हार्मोनल ड्रग हो गया या फिर स्टेरॉयडल ड्रग उसका या कोई और अदर हार्मोन्स प्रिपरेशन है, उसको हम देख नहीं सकते फीमेल में, ठीक है। मेल के कंपेरिजन में वो एक प्रॉब्लमेटिक है ऑस्ट्रस साइकिल फीमेल में, तो उस टाइम हम मेल रेड को प्रीफर करेंगे कुछ इस टाइप का स्टडी करना है तो। बट जनरली मेल और फीमेल दोनों ही रेट को हम स्टडी पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अनबायस्ड रिजल्ट आए, ठीक है। क्योंकि अगर उसको हम अप्लाई कर रहे हैं वुमेन बींग पे, तो फीमेल को भी वही दवाई देंगे, मेल को भी वही दवाई देंगे, तो मेल और फीमेल जो रेट है वो इक्वल रहे, ठीक है। सिक्स का अगर ग्रुप बना रहे हैं तो तीन मेल तीन फीमेल भी हम ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टडी मतलब 90% जो स्टडी है वो इसी प्रकार का होता है, कि कुछ स्टडी पर्टिकुलर रेट पे भी मेल भी होता है, कुछ स्टडी सिर्फ फीमेल भी होता है। सपोज आप लैक्टेशन स्टडी कर रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टडी, या ओवरी पे कोई सिस्ट अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं, टेरेटोजेनिसिटी स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब किसमें होगा, फीमेल पे होगा, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी आप कर रहे हैं तो ये सब फीमेल रेट पे होगा, ना कि एडल्ट मेल रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फीमेल रेट का एक और एडवांटेज यहाँ पर, जैसे कि मेल के केस में हम लोग ग्रोथ हार्मोन का जो स्टडी करना था, क्योंकि उसका फास्टर रेट था, ठीक है, ग्रोथ का, तो वो मेल पे हो रहा था। वैसे फीमेल पे एक और हमको फायदा मिलता है कि बार बीच रेट्स के केस में, ठीक है, फीमेल जो रेट होते हैं वो बार बीच रेट्स पे ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं, तो जितने भी बार बीच रेट डेरिवेटिव रिलेटेड ड्रग है उसको हम फीमेल रेट पे कंपेयर करेंगे, उस पे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, मेल के कंपेरिजन, क्योंकि वो उस केस में ज़्यादा सेंसिटिविटी शो कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी डोज का डिफरेंस हुआ तो मेल रेट उसको शायद ना शो कर पाए, ना उसको दिखा पाए, फीमेल रेट उस केस में हमको एडवांटेज दे देते हैं। तो ये हो गया मेल और फीमेल रेट पे जो डिफरेंस है जनरली, है ना। अपीयरेंस पे तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए थी इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, कि मेल जो रेट होते हैं उसका जो अपीयरेंस है और फीमेल जो रेट है उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम उसका जेनिटल ऑर्गन को देखें तो, ठीक। और वेट के थ्रू तो आप जनरल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको अगर आप केज में रख दिए स्टडी के लिए, तो आप दो अलग अलग कलर्स इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ताकि आपको रोज उसको उठा के उसका जेनिटल ऑर्गन को देखना ना पड़े। तो मैं ये बोल रहा था, जब भी आपको स्टडी लगाना है सपोज मेल या फीमेल रेट पे, तो आप उसको रोज तो चेक करेंगे नहीं, मेल रेट ये है फीमेल रेट ये है। तो आप जैसे कि सपोज ये मेल है ना, तो यहाँ पर आप पिक्रिक एसिड लगा दिए, ठीक। पिक्रिक एसिड जनरली डिस्पर्स नहीं होता, तो यहाँ पर आप पिक्रिक एसिड का कलर दे सकते हैं पीठ के पास, तो वो जनरली 15-20 दिन चलता है। फीमेल में आप कर दीजिए, अगर उसी पिक्रिक एसिड को सपोज यहाँ पर लगाना है, मेल को अगर यहाँ पर लगाए तो फीमेल को यहाँ लगा दिए, अगर दूसरे कलर से करना है तो मिथाइलिन ब्लू यहाँ पर लगा दिए, तो ये फीमेल हो गया। तो आप उसको अपने रजिस्टर पर नोट कर सकते हैं कि ये फीमेल को मैंने इस तरह से कोड किया, मेल को इस तरह से, ठीक है। रोज आपको इसको इस टाइप का जेनिटल ऑर्गन देखने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम अपना रिसर्च आगे बढ़ाते हैं, मेल और फीमेल जो है उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो और कुछ सीखे हो इस वीडियो से, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।